कि लैग फिक्स के अंदर हमें क्या यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हो जहाँ पे मैं बहुत सारे जो है कॉन्टेंट देता हूँ, लिंक्स देता हूँ, जिस स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बिना इसके आप खेल पाओगे। जीटी सैन एंड्रियास डेफिनेटिव एडिशन के एक और न्यू वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। और ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जीटी सैन एंड्रियास डेफिनेटिव एडिशन के नेटफ्लिक्स का एक बहुत अच्छा वर्जन का अपडेट आ चुका है, एक नया गेम आ चुका है। ऑब्वियसली यही गेम है बट इसका एक नेक्स्ट वर्जन आ चुका है जो कि थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है, और उस वाले वर्जन के अंदर हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। और वो इम्प्रूवमेंट्स क्या होने वाले हैं वो सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर आपको लैग फिक्स देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से। आई वॉन्टेड टू आस्क यू गाइज कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, विच कंट्री आर यू गाइज बिलोंग फ्रॉम। यू हैव टू टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई दैट हाउ मच माई ऑडियंस आर बिलोंग्स टू माई इंडिया एंड हाउ मच बिलोंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो ये मुझे आप सब लोगों से जानना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर हो रहा है आजकल के वीडियोज में। कमेंट कर रहे हैं लोग कि यार आपका टाइटल इंग्लिश में है तो आपकी वीडियोज क्यों नहीं इंग्लिश के अंदर है, तो यही चीजें आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता देना सबसे पहले। एंड आता हूँ वीडियो के ऊपर। तो GTA San Andreas Definitive Edition का जो नेटफ्लिक्स है भाई, उसके अंदर में हमें यहाँ पे सबसे पहले जो इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है ना, वो रेजोल्यूशन को जैसे आप इंप्रूव करोगे ना तो वहां पे आपको एक मैसेज पॉपअप दे देगा। और ये मैसेज के अंदर सिंपल आपको ये दिखाएगा कि आप अपने रेजोल्यूशन को इंप्रूव करते हो तो आपका गेम जो है यहाँ पे लैग करने लग जाएगा। तो ये एक वार्निंग सिस्टम इसमें ऐड कर दिया गया है जिसको मैंने सबसे पहले नोटिस किया था खेलने के बाद। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता है कि रेजोल्यूशन बढ़ाने से ग्राफिक्स बढ़ते हैं, तो अभी इस वर्जन को खेलने के बाद में लोगों को पता लग जाएगा। एक सेकेंड चीज कि लैग फिक्स के अंदर हमें क्या यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस लैग फिक्स मैंने इस गेम को खेला है और थोड़ी देर गेम को खेलने के बाद में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिला है। ऑल दो कहीं कहीं पर मुझे यहाँ पे 30-40% लैग इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा था। आई मीन जैसा मैं पहले गेम चल रहा था वैसा ही गेम नहीं चल रहा था, थोड़ा सा बहुत जो है डिफरेंस मुझे देखने के लिए मिल रहा था गाइस। ठीक है, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा लो एंड डिवाइस है और अगर आप सोच रहे हो इस गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा हैवी जो गेम है ये है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर डिमांड करता है जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है। और ये गेम को यार डाउनलोड करने से पहले ना अपने फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार, सो दैट मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई करके बता सकूं कि आपके फ़ोन के अंदर ये गेम अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा। वन मोर थिंग, आप जब कमेंट करोगे तब आपको अपने प्रोसेसर का नेम डाल के कमेंट करना है, ठीक है, फ़ोन का नेम डाल के एंड रैम का नेम डाल करके, रैम का नंबर डाल करके आपको कमेंट नहीं करना है। काफ़ी लोग मुझे रैम का नंबर डाल के कमेंट करते हैं कि मेरे फ़ोन में 8GB रैम है या 6GB रैम है, ये गेम चल जाएगा या नहीं। इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग गाइज। तो ये पूरा का पूरा रैम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कोई भी गेम रैम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रैम जस्ट आपके जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देती है, आप रैम के साथ में बहुत सारी एप्लीकेशंस को जो है अपने बैकग्राउंड में चला सकते हो, बस यही रैम का बेनिफिट होता है। जो आपकी परफॉर्मेंस का जो पूरा का पूरा डिपेंडेंस होती है ना गाइस, ये प्रोसेसर के ऊपर ही होती है। जी हाँ, आपका प्रोसेसर अच्छा होगा तो आपका गेम अच्छा चलेगा। और सेकेंड चीज़ कि यार मैंने ग्राफिक्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिले हैं, तो यार गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि यार ग्राफिक्स में थोड़े से ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी मैंने नहीं देखे हैं। ऑल्दो ग्रास थोड़ा बहुत चेंज लग रहा था क्योंकि ग्रास पिछले वाले वर्जन से थोड़ा सा लाइट लग रहा था, और अभी जब नए वाले वर्जन के अंदर आई ट्राइड द ग्रास तो ग्रास थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था मुझे पिछले वाले वर्जन से। आई वुड से कि ये वाला इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, बट उसके बाद में आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लग रहा है मुझे इस वाले वर्जन के अंदर। जितना मैंने खुद से नोटिस किया है कि मुझे ज़्यादा इतना डिफरेंस लगे नहीं है। बट गाइस यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस गेम, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये गेम आप बिना इसके खेल सकते हो, बिना इसके आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बिना इसके आप खेल पाओगे, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। और यार आपको और भी डिटेल जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है। और गेम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर में ही अवेलेबल है। बट उसके अलावा आपको ये रिक्वायर्ड करेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर आ जाते हो जहाँ पर मैं बहुत सारे जो है कॉन्टेंट्स देता हूँ, लिंक्स देता हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो बिना इसके,
बिना इसके। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पे मैं यहाँ पे लिंक्स को प्रोवाइड करता रहता हूँ। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे यार हमारी एक अच्छी कम्युनिटी बन रही है, 80+ सब्सक्राइबर्स भी अभी हो गए हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो टेलीग्राम चैनल, बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करके, नहीं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके, एंड गाइज आप इस वीडियो को एग्जिट कर सकते हो। मी चिनेश सोनी साइनिंग आउट।